हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम टेक्नोलॉजी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2019 सारा का सारा, जिसमें आप सब कुछ सीखेंगे कि कैसे इसे आप कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इसमें आप सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले तो हमारे आउटलुक होता क्या है, तो एमएस आउटलुक क्या है, फीचर है हमारे एमएस ऑफिस का, जिसे हम लोग पीआईएम यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर भी कहते हैं। करता क्या है, दैट मैनेज कैलेंडर, टू डू लिस्ट, नोट, मेल एक्सेट्रा। यहाँ पे आप कैलेंडर, टू डू लिस्ट, मेल्स, इन सबको मैनेज कर सकते हो। साथ ही जब हम कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे सिस्टम में जो जो इसे रिक्वायर्ड चाहिए वो सारी हैं या नहीं है, यानी पहला हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं है। तो हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टम में सीपीयू होना चाहिए 1 GHz का, रैम होनी चाहिए 2 GB, मिनिमम 3 GB हार्ड डिस्क में स्पेस होना चाहिए। सॉफ्टवेयर की बात करें तो विंडोज 7 होना चाहिए या फिर इससे ऊपर का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही .NET 4 या फिर 4.5 फ्रेमवर्क होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का लॉगिन होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास तो हम आउटलुक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पर विंडोज 10 की स्क्रीन पर। तो विंडोज 10 की स्क्रीन पर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब हम आउटलुक को चलाएंगे तो सबसे पहले हमें देखना है हमारा एमएस ऑफिस इंस्टॉल हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो अगर हमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल देखना हो तो हम appwiz.cpl में जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा एमएस ऑफिस 2019 इंस्टॉल हो रखा है। तो हम लोग जो आउटलुक कन्फिगर करने वाले हैं वो ऑफिस 2019 पर कन्फिगर करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले करते हैं विंडो आर और यहाँ पर हम टाइप कराएंगे आउटलुक। आउटलुक जैसे ही आप यहाँ पर टाइप कराओगे, प्रेस करोगे एंटर, तो हमारा आउटलुक ओपन हो चुका है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो कॉन्फ़िगर करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है जिससे आप आउटलुक कॉन्फ़िगर कराना चाहते हो या जिसे कनेक्ट कराना चाहते हो आउटलुक के साथ में। तो ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करा देते हैं। ठीक, तो ईमेल आईडी हमने कॉन्फ़िगर करा दी है। देन इसके बाद क्या करेंगे, एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, लेट मी सेटअप माई अकाउंट मैनुअली, यानी अपना अकाउंट जो है मुझे मैनुअली सेटअप करना है। तो यहाँ पर टिक कर देंगे, क्योंकि अगर आप क्या करते हो कि यहाँ पर टिक नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट आउटलुक क्या करता है, IMAP 4 में जो है कॉन्फ़िगर करा देता है आपके आउटलुक को। लेकिन अभी हमने टिक किया है, मतलब इसका क्या है कि हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि हमें POP3 चलाना है या IMAP 4 चलाना है। कनेक्ट पर क्लिक करते हैं तो सामने देखो ये हमारे सामने ऑप्शन आ रखे हैं कि ऑप्शन आपको किस तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करना है। ऑफिस 365 के साथ में अटैच कराना है तो ऑफिस 365 नहीं चला है, outlook.com पे आपको कॉन्फ़िगर कराना है, outlook.com भी हमें नहीं कराना है, एक्सचेंज सर्वर के साथ में कराना है वो भी नहीं कराना है, गूगल के साथ में कराना है नहीं कराना है। तो हमें एक ऑप्शन देखने हैं POP और IMAP। तो POP और IMAP के बारे में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे POP से कॉन्फ़िगर कराएं या IMAP से। तो हमने इसके बारे में देखा था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो POP में क्या होता है हमारा कि जब आप POP से कॉन्फ़िगर कराते हो तो पहला तो हमारे पास एक ये फ़ायदा होता है, POP में जब भी आपका अगर कोई मैसेज डिलीट हो जाता है आपके आउटलुक से तो वो सर्वर से डिलीट नहीं होता, जबकि IMAP 4 में क्या होता है कि अगर आप डिलीट कर देते हो आउटलुक से तो वो सर्वर से भी डिलीट हो जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, POP से कॉन्फ़िगर करते हो तो वो एक सिंगल क्लाइंट के साथ में या सिंगल डिवाइस के साथ में ही कनेक्ट रहता है, IMAP 4 में आप एक साथ कई जगह पर अटैच करा सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं POP को। तो यहाँ आप POP सेलेक्ट करोगे, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड फिल कराएंगे। तो पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे चलते हैं, पासवर्ड फिल करा देते हैं। पासवर्ड फिल हो गया और क्लिक कर देंगे हम यहाँ कनेक्ट पर। तो कनेक्ट पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे हमसे दोबारा से कंफर्मेशन मांग रहा है, तो हमने पासवर्ड और ईमेल आईडी चेक कर लिए, ठीक पड़ी हुई है तो ओके कर देते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत आ रही है कि हमारा यहाँ पे अभी नहीं बन पा रहा। तो इस टाइप की अगर दिक्कत आती है तो हम क्या करेंगे, पहला तो ये कह रहा है कि ईमेल आईडी चेक कर लो, ईमेल आईडी ठीक है हमारी, अगर हमें पता है कि ईमेल आईडी ठीक है, अगर नहीं ईमेल आईडी ठीक है तो आप नॉट पे यहाँ क्लिक कर दो, ईमेल आईडी चेंज करा लोगे। अगर ठीक है तो आप जाओगे चेंज अकाउंट सेटिंग में, और चेंज अकाउंट सेटिंग में आप देखो इसी तरीके से हमारा इनकमिंग मेल और आउटगोइंग मेल के लिए ऑप्शन आ गया, जैसा मैंने कल बताया था आपको कि वहाँ पर क्या करना होता है कि हमें पोर्ट नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें खुद से फिल करानी पड़ती हैं अगर प्रॉपर नहीं उठा रहा। POP से कॉन्फ़िगर करना है तो POP.gmail.com ये लिखा है, ठीक लिखा है।
अब चलते हैं पोर्ट पे। तो पोर्ट की अगर हम बात करें तो पॉप पे जो हमारा पोर्ट होता है वो 110 होता है विदाउट सिक्योरिटी के, और सिक्योरिटी के साथ में होता है 995। तो 995 हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आउटगोइंग मेल पे। तो आउटगोइंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे SMTP, इसका नॉर्मल में होता है आपका 25, और जब आप सिक्योरिटी अप्लाई करते हो SSL TLS की तो यहाँ पे हो जाता है 465। और यही अगर सिक्योरिटी को चेंज कराते हो STAR TTLS में तो इसका हो जाता है यहाँ पर 587। तो हम लोग जो इसमें बाई डिफॉल्ट यूज करते हैं वो STAR TTLS कराते हैं, यानी 587 कर दिया हमने, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट करा देते हैं और पासवर्ड कनेक्ट करा देते हैं। तो अभी देखते हैं हमारा होता है या फिर नहीं होता है। तो अभी हमने क्लिक किया, फिर से दिक्कत आ गई। अब क्या करना है, क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जीमेल पे जाना होता है। तो हम लोग जीमेल पर चलते हैं। तो जीमेल पर आ चुके हैं, जीमेल पर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन आता है मैनेज अकाउंट्स का। तो यहाँ मैनेज अकाउंट पे क्लिक करोगे तो मैनेज अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कई सारे आपके। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सिक्योरिटी में जाना होता है। सिक्योरिटी में जाने के बाद जब आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन कराओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, ये आपका ऑन होना चाहिए तभी आप आउटलुक पे कन्फिगर कर सकते हो। अगर ये ऑन नहीं है तो आप आउटलुक पर कन्फिगर नहीं कर सकते। तो आप इसे यहाँ से ऑन करा लो। तो हमने इसे क्या किया, ऑन करा दिया, ठीक। लेस सिक्योर ऐप एक्सेस ऑन हो चुका है। दूसरा हम क्या करेंगे, दोबारा से जीमेल में चलते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब एक ये सेटिंग का आइकन आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे आप और यहाँ पर सी ऑल सेटिंग पर क्लिक करोगे तो ये सारी भाई सेटिंग्स आ गई। इनमें से हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे फॉरवर्डिंग एंड पॉप स्लैश आई मैप। तो यहाँ पर आने के बाद हमें देखना होता है कि पॉप का हमारा जो स्टेटस है वो इनेबल है या नहीं है। तो अभी मेरा जो यहाँ पर इनेबल हो रखा है, ठीक है, आई मैप भी देख ले तो आई मैप भी इनेबल है। तो आप जिस भी प्रोटोकॉल से कॉन्फ़िगर करने वाले हो वो यहाँ पर इनेबल होना चाहिए। तो एक बार आप चेक कर लोगे कि वो इनेबल है या नहीं है, अगर इनेबल नहीं है तो आप उसे इनेबल करा लोगे, ठीक। इनेबल हो गया हमारा। इसके बाद क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं वापस अपने आउटलुक पर। तो आउटलुक पे आ चुके हैं, अब इसे दोबारा से कराते हैं रिट्राई। अभी देखोगे तो मेरे ऊपर क्या लिख के आ रहा है, अकाउंट सक्सेसफुली एडेड, यानी कि हमारा अकाउंट जो है वो ऐड हो चुका है पॉप के थ्रू। तो आप यहाँ क्लिक करके देन नीचे डन करा दो। तो आपने डन करा दिया तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा MS आउटलुक आ चुका है और मेरे मैसेज जो है नीचे देखोगे तो रिसीविंग मैसेज करके क्या है आना स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी मैसेज हैं वो सारे यहाँ पर सिंक होने लगे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि सिंक होने में डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे और आपके मैसेजेस पे कि कितने हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आउटलुक का इंटरफेस आपके सामने आ चुका है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास ये सारा जो है ये मैसेज का एरिया है। कोई भी मैसेज आपके पास है तो यहाँ से देख सकते हो। जब यहाँ क्लिक करोगे तो मैसेज को रीड करने के लिए मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ वो यहाँ पर लिख के आता है। तो मैसेज के अंदर इस समय ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि उस मैसेज के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ क्लिक करें तो ये आ गया मैसेज के अंदर, ये लिखा हुआ है। बाकी इधर आपका इनबॉक्स, सेंट आइटम, डिलीट आइटम, ये सारे यहाँ पर आपको शो होते हैं। बाकी डिलीटेड आइटम की आप जब डिलीट करते हो तो वो आपके कहाँ जाते हैं, जंक ईमेल, आउटबॉक्स, RSS फीड, सर्च फोल्डर, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। बाकी और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये सेंड रिसीव एरर आया हुआ है। तो ये देखोगे आपके तो क्या एरर है, रिसीविंग रिपोर्टेड एरर द फॉलोइंग ईमेल मैसेज ऑन द मेल सर्वर कैन नॉट बी डाउनलोड, कॉन्टेक्ट योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
शायद कनेक्टिविटी की वजह से एक एरर दे गया। तो जब भी कभी अगर आपके मैसेज सारे सिंक ना हो पाए या कोई एरर आए तो क्या करना है कि हमें यहाँ पर जाने के बाद एक लास्ट में ऑप्शन आता है सेंड रिसीव ऑल फोल्डर, इस पर क्लिक कर देना, दोबारा से प्रोसेसिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कोई मैसेज बचा या नहीं बचा। ठीक है, सारे मैसेज हमारे सिंक हो चुके हैं, जितने भी मैसेज थे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आज क्या टुडे की डेट में 11:27 तक का, यानी अभी हो रहा है 11:31, तो मेरा जो लास्ट मैसेज आया हुआ है मेरे पास वो 11:27 तक पे आया है, यानी सारे मैसेज हमारे सिंक हो सक चुके हैं। आप नीचे स्क्रॉल देखोगे तो आपके कल के या फिर उससे पहले के या बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। इतने में किसी को डाउट हो तो बताओ, इतना क्लियर नो है ना सर, सबका? ठीक, तो ये हमने क्या किया है कि आउटलुक को यस सर, कॉन्फ़िगर कर लिया है। आउटलुक की कॉन्फ़िगरेशन इतनी थी, कभी भी आपको अपने अकाउंट को, जीमेल अकाउंट को, याहू मेल के या किसी भी अकाउंट को कॉन्फ़िगर कराना है तो ये सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप कॉन्फ़िगर करा पाओगे। ठीक, देखो तो दोबारा से एक बार मैं दिखाता हूँ कि अगर आपको मैसेज भेजना है तो आप मैसेज को कैसे सेंड करोगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होता है न्यू ईमेल का, न्यू ईमेल पे जाओगे, न्यू ईमेल पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपना टू में लिखोगे किसे मैसेज भेजना है। तो टू में मैं अपनी आईडी ही डाल देता हूँ, तो मैंने अपनी आईडी, देखो जब एक बार यूज़ कर लेते हो ना तो दोबारा में दिखाने लगता है आपको, थोड़ा सा लिखोगे दिखा देगा। सीसी रखना है तो रख सकते हैं वरना छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट में हम लोग लिख देते हैं टेस्ट मैसेज, और नीचे आपको जो भी लिखना है, तो दिस इज आर टेस्ट मैसेज। डॉट डॉट डॉट, अगर कोई इसमें चेंजेस करने हैं इसके फॉन्ट स्टाइल वगैरह में तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अल्जीरियन कर लिया, साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया, कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लिया, अगर पीछे कुछ लगाना है तो इस तरीके से पूरा चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद सेंड पे क्लिक कर दिया। तो सेंड पे क्लिक किया हमने, सेंडिंग मैसेज हो गया। अब पॉप या फिर आई मैप में अगर किसी को कंफर्म थोड़ा सा डाउट रह गया तो एक चीज़ और बता दूं कि पॉप के अंदर क्या होता है कि पॉप में जब भी आप मैसेज भेजते हो तो जब तक आप उसे रिफ्रेश नहीं करते हो तब तक वो मैसेज आपके ऊपर नहीं आता है, क्योंकि पॉप में सर्वर से आप डिस्कनेक्टेड रहते हो, कनेक्टेड नहीं रहते हो, डिस्कनेक्टेड रहते हो तो डायरेक्ट सिंक नहीं कराता है। जबकि आई मैप में क्या होता है कि आप कनेक्टेड रहते हो, डायरेक्ट सिंक करा लेते हैं। अगर मैं ये मैसेज आई मैप से भेजता तो ऑटोमेटिकली मेरे पे मैसेज अब तक आ चुका होता, क्योंकि यहाँ से सेंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक हमारे शो नहीं हो रहा है। अगर मैं यही चीज़ अपनी जी मेल पर भेजूँ तो मुझे वहाँ पे शो हो रहा होगा, क्योंकि जी मेल क्या आई मैप पे काम करता है। तो इसे एक बार हमें रिफ्रेश कराना पड़ेगा। रिफ्रेश के लिए हम होम टैब के अंदर लास्ट ऑप्शन होता है सेंड रिसीव ऑल फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा आपके सारे के सारे मैसेज को दोबारा सिंक कराएगा, कोई मैसेज आया या नहीं आया। तो आप देखोगे तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है हमारा, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या है, दिस इज अ टेस्ट मैसेज। तो यही मैंने अभी लिखा था सारा सेम, जितना भी जो कुछ लिखा था कि दिस इज अ टेस्ट मैसेज या जो भी फॉर्मेटिंग की थी सारा सेम वैसा ही आया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे मैसेज भेजते हैं, ये तो सीख चुके हैं। अब देखते हैं कि एड्रेस बुक कैसे बनाते हैं, कि अगर आपको अपनी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के रखनी है तो आप कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनाओगे। तो आप सबसे नीचे ऑप्शन में जाते हो नेविगेशन पैन में, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सबसे पहला मैसेज का, दूसरा है कैलेंडर का, फिर उसके बाद है आपका पीपल का। तो आप यहाँ पीपल पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपके सामने अब ऑप्शन आ रखे हैं। तो ऑप्शन में आपको बनाना है एक नया, अपनी एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे यहाँ पे न्यू कॉन्टेक्ट पे, और न्यू कॉन्टेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर है आप सेव कराओगे। तो डिटेल भरने के लिए हम क्या करें, फुल नेम सबसे पहले, तो जिसका हमें सेव कराना है कि हमें किसकी आईडी यहाँ पर सेव कराएं। तो मान लो हम ऐसे ही अभी टेस्टिंग के लिए xyz@gmail.com हमने करा दिया। अगर कंपनी की कोई डिटेल है, किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो छोड़ सकते हो, जॉब टाइटल लिखना है तो लिख सकते हो, और देन जो भी ईमेल आईडी है। सॉरी, यहाँ पे फुल नेम में आप पहले तो xyz ही लिख देते हैं, जीमेल यहाँ पे नहीं लिखते हैं, नीचे ईमेल में लिख देते हैं कि कौन सी आईडी है। तो xyz@gmail.com। बाकी यहाँ पर और भी अगर इन्फॉर्मेशन देना चाहो, फ़ोन नंबर, बिजनेस का फ़ोन नंबर, होम, सारी डिटेल तो दे सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं।
अब अगर आपको एक सेव करना है, एक ही नंबर देना है, तो क्या करोगे, सेव एंड क्लोज कर दोगे। और अगर एक से ज़्यादा सेव कराने हैं तो क्या करोगे, सेव एंड न्यू। एक सेव हो गया, दूसरे के लिए ऑप्शन आ गया, तो दूसरा अगर हमें सेव कराना है तो हम क्या करेंगे, ए बी सी एट द रेट, यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी, और ईमेल में डाल देते हैं इसकी मेल आईडी, तो ए बी सी एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। तो ये हमने क्या किया, एक मेल आईडी बना दी। इसे अब अगर और सेव कराने तो वही पुराना ऑप्शन, यानी कि सेव एंड न्यू कर दोगे, और नहीं कराना है तो सेव एंड क्लोज कर दोगे। तो हम दो की एक एड्रेस बुक बना रहे हैं, सेव एंड क्लोज कर दिया, तो देखोगे तो यहाँ पर ये दोनों सेव हो चुके हैं। एक मेरी एड्रेस बुक क्रिएट हो गई जिसमें ये दो मैंने ईमेल आईडी सेव कर रखी। अब चलते हैं वापस मैसेज पे और दोबारा से एक मैसेज सेंड करते हैं, तो वही न्यू मेल पे चलते हैं और टू में लिख देते हैं कि अगर हमें टू देखना है तो। अब पहला तो है कि आप ईमेल आईडी लिख दो, लेकिन हमने क्या एड्रेस बुक बना रखी है, तो हम एड्रेस बुक पर क्लिक करेंगे और देखेंगे तो हमारे एड्रेस बुक में अब क्या दोनों नाम आ रहे हैं जो हमने ईमेल आईडी सेव कराई थी। तो आप ए बी सी वाली भी भेजना चाहते हो, एक्स वाई जेड पे, जो भी आपको चूज करनी है आप कर सकते हो। यहाँ पे इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये टू में देखो सिलेक्ट हो गई। दूसरी आईडी भी अगर आपको लेनी है, मान लो मैं सी सी में दूसरी आईडी लेनी है, तो हमने दूसरी वाली, हमें ये सी सी में लेनी है, तो सी सी में क्या करें, सी सी पे क्लिक करो, ए बी सी आ गई। देखो तो अब क्या हुआ कि हमने दोनों आईडी यहाँ पे कर दी, और अब क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो अब देखो टू में मेरी एक्स वाई जेड आ गई और सी सी में ए बी सी, मुझे टाइप नहीं करानी पड़ी, मैंने एक बार सेव करा ली थी, मुझे वो अपनी आईडी मिल गई। बाकी अगर भेजनी है तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, और नीचे जो भी आपको डेटा लिखना है वो लिख के सेंड करा सकते हो। इस तरीके से हम यहाँ पे एड्रेस बुक क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ इतना सब सर क्लियर है? हाँ सर यहाँ बीसीसी नहीं आता, कहाँ पर, टू और सीसी और बीसीसी कहाँ पे बीसीसी है के लिए यहाँ आपको पे? यही करना पड़ता है, जब आप यहाँ सीसी पे क्लिक करते हो ना, डायरेक्टली नहीं दिखाता है यहाँ पे, सीसी पे क्लिक करते हैं तो फिर नीचे ऑप्शन आता है ये बीसीसी का, यहाँ पे डालना पड़ता है बीसीसी अगर ऐड कराना है तो। ठीक अच्छा ठीक है, तो है इतना क्लियर है ना सारा? ठीक, जी। तो ये हमने देख लिया एड्रेस बुक कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा, कि अगर आपको अपने आउटलुक का बैकअप लेना है तो आप उसे बैकअप कैसे लोगे, रिस्टोर कैसे कराओगे। तो बैकअप रिस्टोर के लिए सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ पर फाइल में, और फाइल में चलने के बाद क्या करते हैं कि ओपन एंड एक्सपोर्ट में यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आए जिसमें से हम चलेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे, अब पहले तो आ रहा है क्या, इंपोर्ट फ्रॉम अनादर। इंपोर्ट मतलब होता है कि मैसेज को लाना, लेकिन हमारे में लाना नहीं है, हमें मैसेज को क्या एक्सपोर्ट कराना है, यानी किसी दूसरी फाइल में उसका बैकअप लेके रखना है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है एक्सपोर्ट टू अ फाइल, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे एक्सपोर्ट टू अ फाइल पर, देन क्या करोगे नेक्स्ट करा दोगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आ रहा है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, दूसरा आउटलुक डेटा फाइल, तो हमें क्या आउटलुक डेटा फाइल में सेव कराना है, तो आप यहाँ पर आउटलुक डेटा फाइल पर क्लिक करोगे। एक चीज और बता दूंगी, यहाँ पर जो आउटलुक की डेटा फाइल बनती है, पता होगा जितनी भी डेटा फाइल्स बनती हैं उन सबका एक एक्सटेंशन होता है, कि वो किसी ना किसी एक्सटेंशन में सेव होती है, जिससे सिस्टम को या हमारे कंप्यूटर को पता लगता है कि ये आपकी जो फाइल है वो किस एक्सटेंशन की है, कौन से एप्लीकेशन में ओपन होनी है। सपोज आपको अगर एम एस वर्ड चलाना है तो डॉट डी ओ सी एक्स होता है, जिससे सिस्टम को ये पता लगता है डॉट डी ओ सिक्स की फाइल जो है वो वर्ड में ओपन करानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट पी एस टी की फाइल क्रिएट होगी। ये चीज़ याद रखना कि कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आउटलुक की डेटा फाइल या बैकअप फाइल बनाते हो तो वो किस एक्सटेंशन में सेव होती है, तो डॉट पी एस टी में नेक्स्ट करा दोगे। इसके बाद क्या आ रहा है कि मेरी मेल आईडी लिखी हुई है, बाकी लिखा होगा कि हमें इसी मेल आईडी के जो मैसेजेस हैं वो सेव कराना है। तो हमने यहाँ पे आपको इनबॉक्स कराना है तो इनबॉक्स करा सकते हो, जिस भी फोल्डर को कराना है, तो मैंने पूरी मेल आईडी पे क्लिक कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद क्या है, अब यहाँ पे आपको आ रहा है कि जो हमारी फाइल है वो कहाँ सेव होनी चाहिए। तो बाई डिफॉल्ट जो हमारी लोकेशन होती है वो होती है हमारी सी ड्राइव के अंदर, आपका जो यूजर्स के अंदर डॉक्यूमेंट फोल्डर आता है तो डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर आउटलुक फाइल्स आती है, आउटलुक फाइल्स के अंदर बैकअप डॉट पी एस टी, इस नाम से ये फाइल बनेगी बाय डिफॉल्ट। आप चाहो तो इसकी लोकेशन चेंज भी करा सकते हो, आप डेस्कटॉप पे या किसी भी लोकेशन पे सेव करा सकते हो। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, चेंज नहीं करा रहे हैं, जैसी लोकेशन बाय डिफॉल्ट है वैसे ही रख रहे हैं और फिनिश कर दे रहे हैं। फिनिश करोगे तो क्या, ये आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, ताकि अगर बाई चांस आपने बैकअप लिया, कोई भी ऐसा ना हो कि कोई दूसरा जो है उसे रीस्टोर करा ले, क्योंकि आपके मैसेज हो सकता है काफी इंपॉर्टेंट हो, तो आप पासवर्ड यहाँ पर कोई भी सेट कर सकते हो। तो मैंने सिंपली अभी 1 2 3 4 पासवर्ड सेट कर दिया, और वेरीफाई में भी 1 2 3 4
सेव करा दिया। देन क्या किया है, ओके कर देते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है कि टाइप द पासवर्ड फॉर बैकअप। जब बैकअप के लिए एक पासवर्ड तो हम सेम रख सकते हैं या फिर चाहे तो अलग भी रख सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर सेव रख दिया है 1 2 3 4 और सेव करा दिया। तो अभी क्या हुआ कि मेरा बैकअप अब जो है हो चुका है। अगर हम बैकअप की फाइल देखना चाहें तो मैं यहाँ पर अब चलते हैं जो लोकेशन दे रखी थी वहाँ पर, यानी सी ड्राइव के अंदर, इसके बाद आपके यूजर्स के अंदर, इसके बाद आपके, या फिर डायरेक्ट आप चाहो तो यहाँ दिस पीसी पर चलते हैं, और दिस पीसी के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट में चलते हैं, और डॉक्यूमेंट के बाद आउटलुक फाइल्स में। आउटलुक फाइल्स में जाओगे तो देखो क्या, एक बैकअप नाम से मेरी फाइल आ चुकी है जो कि मैंने अभी क्रिएट की है जस्ट 11:51 पर। और अभी भी आप देखो 11:51 हो रहा है, 11:50 पे क्रिएट हुई, 11:51 हो रहा है। तो ये मैंने क्या किया, एक फाइल्स मेरी क्रिएट हो गई बैकअप के लिए। और अगर आप इसका एक्सटेंशन देखना चाहो तो इस पर राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ देख लो, तो एक्सटेंशन क्या है, .PST आ रहा है देखो। ठीक, तो आउटलुक की डेटा फाइल बैकअप फाइल ये बन चुकी है। अब क्या करते हैं, अब ये चेक करके देखते हैं कि बैकअप होगा या नहीं होगा। तो जितने भी आपके मैसेज हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और इन्हें क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो हमने शिफ्ट के साथ में डिलीट किया है जिससे क्या, दिस विल बी परमानेंटली डिलीटेड, और यस कर दिया है। तो ये क्या हुई है, परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं। अब ये डिलीटेड आइटम में भी नहीं आया, ये किससे पहले जो डिलीट किया था वो वाला आया था, तो डिलीट कर दिया। जब आप शिफ्ट के साथ करते हो तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, और जब आप सिंपल डिलीट करते हो तो वो क्या होता है कि आपका डिलीटेड आइटम के अंदर आपको मिल जाता है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है, अब क्या करें। बाई चांस ऐसी कंडीशन आती है कि आपके मैसेज लॉस हो चुके हैं और आपको चाहिए, अगर आपने बैकअप ले रखा है तो वापस लेने के लिए क्या करोगे, फाइल में चलोगे, फाइल के बाद वही ओपन एंड एक्सपोर्ट, देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अब क्या करेंगे कि हमने एक्सपोर्ट तो कर चुके हैं, एक्सपोर्ट कब करते हैं, जब आप बैकअप लेते हो। जब रिस्टोर करते हैं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जिस ऑप्शन के ऊपर हमारा बाय डिफॉल्ट आता है, यानी इंपोर्ट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम और फाइल, यानी हमें अपने मैसेज लाने हैं यानी इंपोर्ट करने हैं दूसरे किसी प्रोग्राम या किसी फाइल से। ठीक है, तो यहीं पर हम कर देते हैं नेक्स्ट, देन चलते हैं। अब हमारी फाइल किस टाइप की थी, तो .PST टाइप की फाइल हमने बनाई थी, नेक्स्ट कर देते हैं। लोकेशन, तो बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन थी वहीं पर सेव है, तो कोई हमें चेंज नहीं करना। अगर आपने लोकेशन चेंज किए तो यहाँ ब्राउज पे जाके आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी, तो हमने कोई चेंज नहीं किया था, नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपसे पासवर्ड पूछ रहा है कि ठीक है आपको बैकअप कराना है तो आप पासवर्ड बता दो, तो हमने 1 2 3 4 दिया था और ओके कर दो। अब क्या पूछ रहा है कि पासवर्ड जो बैकअप वाला एक बनाया था जो लास्ट में दिया था, तो वो वाला पासवर्ड बता दो, हमने सेम रखा था तो 1 2 3 4 ओके कर दो। इसके बाद क्या कह रहा है कि आउटलुक डेटा फाइल्स हमारी होनी है, ठीक है। अब क्या, इंपोर्ट आइटम इनटू द सेम फोल्डर, जहां से हमने डिलीट किए थे वहीं पे आने चाहिए, या फिर इंपोर्ट आइटम इनटू द करंट, या फिर वहां आने चाहिए जहां पर अभी आप हो, तो जहां से डिलीट किए वहीं पे आने चाहिए, फिनिश कर देते हैं। और अभी आप देखोगे तो 189 मैसेज थे मेरे जो मैंने डिलीट किए, तो 189 मैसेज मेरे वापस आ चुके हैं, यानी हमने क्या किया, बैकअप ले लिया और बैकअप से रिस्टोर भी करा दिया मैसेज डिलीट करने के बाद। तो इतना बताओ जरा, सारे लोग क्लियर है इतना? जी सर, क्लियर है। 15 से 8 4 जोड़ दो। बाकी और कोई जैसा क्लियर ना हो? वो सर क्लियर। क्लियर ना, ठीक। तो इस तरीके से हमने आज क्या सीखा कि अगर आपको आउटलुक कॉन्फ़िगर करना है तो किस तरीके से कॉन्फ़िगर करोगे, आउटलुक का बैकअप लेना है तो कैसे बैकअप लोगे, एड्रेस बुक बनानी है तो कैसे बनाओगे। तो ये सारी चीजें क्या है, हमने यहाँ पे करके देख ली। इसके बाद अब थोड़ा सा देखते हैं हम कि आउटलुक की फाइल तो हमारी सेव हो गई थी, अब एक मैसेज दोबारा से क्रिएट करते हैं। मैसेज क्रिएट करने के बाद अभी चलते हैं यहाँ ऑप्शन पे सिग्नेचर पे, तो सिग्नेचर पे क्रिएट क्लिक करो और नीचे सिग्नेचर्स पे। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर आपको अपने मैसेज के साथ में एक सिग्नेचर अटैच कराना है, जैसे देखा होगा कुछ मैसेजेस जब हमारे पास आते हैं तो उन मैसेजेस के लास्ट में बाय डिफॉल्ट एक डेटा लिखा होता है कि हाँ ये मैसेज किसने भेजा है, किस पोस्ट पर है, किस कंपनी से है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो वो होते हैं उनके सिग्नेचर यानी उनकी पहचान। तो हमें क्या करना है, यहाँ सिग्नेचर बनाना है। तो हम यहाँ पर पहले तो न्यू करेंगे और यहाँ पे अपने सिग्नेचर का कुछ नाम दे देंगे। तो सिग्नेचर का नाम मैं दे दूँ माई सिग्नेचर, ओके। इसके अंदर क्या टाइप कराना है आपको, सपोज हम करते हैं XYZ, एंटर, देन कंपनी का नाम ABC,
देन पोस्ट आप लिख सकते हो कि आप किस पोस्ट पर हो। सपोज आप मैनेजर पोस्ट पे हो तो आप मैनेजर लिख सकते हो। बाकी और भी कुछ ऐड कराना है तो करा सकते हो और ओके कर देना है। देन ओके करने के बाद अब क्या है, अब हम अपना मैसेज यहाँ पे कि अपने आप को ही भेज देते हैं। क्लिक कर दिया सब्जेक्ट में, टेस्ट टू, यहाँ पे हमें कुछ करना है, दिस इज टेस्ट मैसेज, और एंटर करने के बाद आप देखते हैं सिग्नेचर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपने जो एक सेव कराया था माई साइन नाम से, तो देखो यहाँ पर आ रहा है। तो जहां पर भी आपको ये ऐड कराना है वहां पे आप क्लिक कर दोगे तो क्या हुआ कि अब नीचे देखो मेरा जितना मैंने ऐड कराया था उतना सारा आ चुका है, एक्स वाई जेड एबीसी कंपनी मैनेजर। बाकी आप इसे काफी क्रिएटिव भी कर सकते हो, उसका कलर वगैरह चेंज करके, इसकी डिजाइन चेंज करके, फॉन्ट वगैरह चेंज करके। बाकी आप जब एक्चुअल में लिखोगे कि यहाँ आपका नाम क्या है सारी चीजें, तो अच्छे से भी इसे डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सिग्नेचर भी हमारे ऐड हो गए और अब हमें जिसे भेजना है उसे आप सेंड करा सकते हो। तो सेंड कर दिया मैंने, तो मैसेज यहाँ से सेंडिंग मैसेज वन ऑफ वन सेंड हो गया। इसे अगर आप रिफ्रेश कराओगे यहाँ से तो ये मैसेज अभी आ भी जाएगा हमारे पास। ठीक, तो मैसेज देखो टेस्ट टू मैसेज आ चुका है। इसमें देखोगे तो हमारा सिग्नेचर भी आ गया और बाकी सारी चीजें भी। सिग्नेचर से फायदा ही हुआ है, इसका यूज हमें मोस्टली कंपनीज वगैरह में पड़ता भी है, क्योंकि कभी आपको क्या करना है बार बार अपने साइन बनाने या बार बार वो चीज लिखना थोड़ा टाइम लग जाता है। और कई बार ये होता है एक बार हमने कुछ लिखा है दूसरी बार कुछ लिखा तो चेंजिंग भी हो जाती है। तो आपने क्या किया, अपनी कंपनी से मैसेज कर रहे हैं तो आपने देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिग्नेचर लिख के आने लगा है। जब भी मैसेज भेजोगे तो आपको सिग्नेचर दोबारा ऐड नहीं कराना है, सिग्नेचर लिख के आ रहा है। बस क्या करना है, अपना जो भी मैसेज लिखना है वो आपने यहाँ पे बस मैसेज लिखना है और उसे एंटर जहाँ पर भी अपने ऐड कराने करा के सेंड कर देना है। ठीक, इतने में बताओ सिग्नेचर ऐड कराना है, क्लियर हुआ या इतने में कोई डाउट? बताओ। सब क्लियर और बाकी सारे लोग है। आके बोलो ना, क्लियर है लेकिन सर? मुझे क्लियर है ना? लग रहा हाँ था आधे जी तो सर। तो मोबाइल रख के चले गए कहीं। अगर कोई मोबाइल रख के चला गया तो इससे फिर ये समझ लो हमने सारे प्रैक्टिकल कर लिए हैं लगभग आउटलुक के, क्योंकि आउटलुक में यही सारी चीजें होती हैं। आपको बैकअप कराना पड़ता है, आपको कॉन्फिगर कराना पड़ता है, सिग्नेचर ऐड कराना है, एड्रेस बुक बनानी है, ऑल आउटलुक में अलग से कुछ नहीं होता, यही सारी चीजें होती हैं बस। ठीक, क्लियर है ना? क्लियर जी सर।